Greetings, welcome to the Get Solution India. So in this last lecture, we are discussing about the feedback amplifiers. So in this lecture, we will take some examples of a feedback amplifier. इस lecture में हम feedback amplifier के कुछ example लेंगे. तो हमारा first feedback type amplifier था, वो क्या था? First feedback amplifier is voltage-voltage feedback amplifier. Voltage-voltage feedback एम्पलीफायर मतलब क्या हो गया. इन दिस एम्पलीफायर वी नीड टू टेक ए फीडबैक एज ए वोल्टेज ओके इन पैरेलल ओके एंड दिस वोल्टेज सो आउटपुट इज ए वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज बीटा टाइम्स वी नीड टू अप्लाई इन ए सीरीज ओके लाइक दिस. तो दिस इज वी एंड दिस इज द यू पार्ट ओके दिस इज द यू पार्ट यू मीन्स बीटा टाइम्स वी यू ओके सो वी आर अप्लाइंग ए सीरीज. Series means we need to apply like this V1, so this is Vin, plus minus or minus plus whatever, minus plus, this is plus minus, okay, like this is U. So in this way we need to apply here, okay, so in this way we need to apply, so this is the mixing, और यहां से मुझे extract करना है voltage, okay, so how can we extract voltage, for example this is the voltage VU. We need to extract some beta times part. So this is R1, this is R2. Okay, in this way we can extract this U. Okay, beta times U we can extract here. So this is the beta times Y part, VO part. Okay, so beta times VO part means here U is equal to VO into R2. Whatever the R2 part is there, according to R2 part, R2 की जो भी वैल्यू होगी उतना मुझे मिल जाएगा. तो मिल जाएगा R1 plus R2. ओके फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसकी 1 है ये मेरा 100 है ठीक है 100 है और वीओ की वैल्यू मेरी है 5 वोल्ट तो मुझे कितना मिलेगा ये वीओ में जो ये यू पार्ट जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे 5 × 1/100 + 1 ओके सो 5/101 मींस अराउंड 0.005 तो ये मुझे बहुत छोटा पार्ट मिलेगा. तो यहां पे मुझे ये यू पार्ट मिलेगा. यू पार्ट मुझे वैसे भी छोटा चाहिए पर इतना छोटा भी नहीं चाहिए जो हमने लगभग एग्जांपल लिए. तो इस तरह से मुझे आउटपुट मिल जाएगा और ये जो पार्ट है यू पार्ट इसको मैं यहां पे तो ये मेरा होगा 0.005 इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा तो ये फीडबैक हो जाएगा. ये मुझे करना है तो कैसे इसको किया जा सकता है. देखो इस तरह से हमने किया है अगर इसको समझे हम. So the first example, अब मुझे बनाना है एक voltage feedback amplifier. So how can we design voltage feedback amplifier? This is work as a voltage feedback amplifier. This is plus, this minus op amp. This is a op amp plus minus. This is Vin. Okay. और अब मुझे क्या करना है यहाँ पे इससे वोल्टेज एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाऊंगा. दिस इज R1 दिस इज R2 और मैं इसको सबट्रैक्ट कर दूं. ओके तो देखो Vin क्या होता है यहां पे जो Vin होता है एक्चुअल में Vin1 - Vin2 ये 1 होता है V1 ये V2 होता है. तो यहां से क्या हो रहा है ये V1 है तो Vin हो गया V1 की जगह पे और माइनस ये वाला जो पार्ट आएगा ये यू पार्ट आएगा वो इसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. ओके तो एक्चुअल में इसको देखो तो ये इसी तरह से दिख रहा है ये वी इन है ओके ये ग्राउंडेड है और ये वी टू पार्ट है तो V1 V2 यहां से माइनस हो जाएंगे V1 ये V2 पार्ट हो जाएगा. ओके और यहां पे यू पार्ट क्या हो जाएगा ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो यू पार्ट हो जाएगा मेरा R2 ये VO है R2 / R1 + R2 ओके ये VO पार्ट हो जाएगा. तो बीटा फैक्टर क्या है इसमें सो बीटा फैक्टर ये तो V बाय बीटा क्या U क्या होता है U इज इक्वल टू बीटा इनटू VO ओके सो बीटा इनटू Y होता है आउटपुट जो भी होता है. तो यहां से बीटा क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू R2 / R1 + R2. कभी-कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि बीटा फैक्टर इसमें क्या है तो बीटा फैक्टर ये है ये बीटा फैक्टर है R2 / R1 उसमें मल्टीप्लाई होता है आउटपुट का. सो दिस इज द बीटा फैक्टर इट इज मल्टीप्लाइड बाय द आउटपुट. सो दिस इज द यू फैक्टर एंड यू इज सबट्रैक्ट और
by this, because we know that this is the, अगर मैं इसको फिर से बनाऊं लूप को, तो इस तरह से होता है, ये मिक्सर होता है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ओके, ये फीडबैक होगा, ओके, तो ये गेन है, ये वाई है, ये मेरा एक्स है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक्स माइनस यू, ओके, और ये यू होता है, और ये बीटा टाइम्स, तो एक्चुअल में एक्स माइनस बीटा टाइम्स वाई, ये मिलता है मुझे, ओके, तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका वोल्टेज, वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर देखो दिख रहा है, यहां से वोल्टेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज वोल्टेज, वीओ का वोल्टेज पार्ट कर रहे हैं, और ये इसमें माइनस हो रहा है, ठीक है ना, ये सीरीज में कनेक्शन हो गया, सीरीज में कनेक्शन कैसे हुआ देखो ना, ये प्लस माइनस, और ये पूरा सीरीज कनेक्शन, ओके, तो ये वोल्टेज सोर्स है, अगर मैं इसको और रिप्लेस करूं थोड़ा सा, तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और हम इसको देख लेते हैं, प्लस माइनस वी इन, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स हो गया प्लस माइनस, ये यू हो गया, यू है प्लस माइनस, और यहां पे मेरा वीओ है, ओके, ये आर वन, तो देखो अब इसको देखो तो ये पूरा एक लूप हो गया, ये लूप है पूरा का पूरा, जो प्लस माइनस हो रहे हैं यहां पे दोनों वोल्टेज सोर्स, ओके, तो यहां पे ये आपका क्या हो गया, ये वोल्टेज वोल्टेज एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर, तो यहां पे आपको पता करना आना चाहिए कि यहां से वोल्टेज प्लस में हो रहा है, वोल्टेज माइनस में हो रहा है, तो इस तरह से आप पता भी कर सकते हो, अगर ये सर्किट दिया हो तो आपसे पूछा जाता है कि ये किस तरह का वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर है, सो यहां से वोल्टेज जा रहा है और यहां पे वोल्टेज इसमें प्लस माइनस हो रहा है, तो ये वोल्टेज वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर है, ओके, सो ये वोल्टेज वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर है, या फिर सब सीरीज के नाम में भी इसको आप दे सकते हो, ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल यू कैन आल्सो डिजाइन सिमिलरली इन दिस वे, दिस इज द वीन, ओके, नाउ आफ्टर दैट दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस, तो कैस्केड एम्पलीफायर में डिजाइन कर रहा हूं, दिस कैस्केड एम्पलीफायर, ओके, दिस इज आउटपुट, ओके, अब मुझे ये मेरा कैस्केड एम्पलीफायर है, अब मुझे यहां पे डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है, ये वाला डिजाइन करना है वोल्टेज वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है ना, तो मुझे सबसे पहले तो आउटपुट से वोल्टेज एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे आउटपुट यहां मिल रहा था, ये आरसी वन है, ये आरसी टू है, ये मेरा वीसीसी है, ओके, ये वी आउट मुझे यहां से मिल रहा था, अगर मुझे वी आउट यहां से मिल रहा था, अगर मुझे वी आउट वहां से मिल रहा था, तो वोल्टेज मुझे यहां से कुछ पार्ट चाहिए, बीटा टाइम पार्ट चाहिए, तो मैं यहां क्या लगा दूंगा, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा दूंगा, ठीक है ना, तो ये आर वन, ये आर टू हो जाएगा, यहां से मुझे बीटा टाइम्स मिलेगा, तो ये बीटा वी यू यहां से मुझे मिल जाएगा, मतलब यू यहां से मिल जाएगा, और इसको मैं यहां जोड़ रहा हूं, क्यों जोड़ रहा हूं ऐसा, ये देखिए ये क्या होता है बीबीएस बीबीई, ये वोल्टेज जो होता है ये बेस है, ये एमिटर है, तो ये वोल्टेज होता है बीबीई, बीबी मतलब बी माइनस एमिटर वोल्टेज, तो ये देखो ये मैंने एमिटर पे क्या लगा दिया, बेस पे क्या है बी, और एमिटर पे क्या लगा दिया मैंने बीटा टाइम्स यू वी यू, और यू क्या होता है यू एरर सिग्नल, तो बी इन माइनस बीटा टाइम्स वी यू, तो देखो ये वाला पार्ट मिल गया मुझे एक्स माइनस वी वाई, तो ये भी क्या हो गया आपका वोल्टेज वोल्टेज, तो ये भी हो गया आपका वोल्टेज वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर, अब ये तो वोल्टेज वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर का एग्जांपल हो गया, अब मुझे सेकंड टाइप का एम्पलीफायर बनाना है, फॉर एग्जांपल सेकंड टाइप ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर इज करंट, फॉर एग्जांपल करंट 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 फीडबैक एम्पलीफायर, अब मुझे क्या चाहिए, आउटपुट में मेरा करंट आ रहा है और इनपुट में भी मेरा करंट आ रहा है, करंट मुझे आउटपुट से एक्सट्रैक्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सर्किट है, ये आउटपुट स्टेज है वीओ, ठीक है ना, तो यहां से मैं आउटपुट अगर वोल्टेज के फॉर्म में ले रहा हूं, तो आउटपुट करंट क्या होगा, अगर करंट के फॉर्म में लूंगा तो एक्चुअल में करंट के फॉर्म में यहां हो जाएगा कि यहां से कोई गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूं, ये आईओ हो जाएगा, दिस इज द आउटपुट करंट, ओके, सो दिस इज द आउटपुट करंट,
सिमिलर करंट यहां भी फ्लो होता है, यहां भी सिमिलर करंट फ्लो होता है, तो ये सिमिलर करंट, ये जो सिमिलर करंट है किसी में अगर फीडबैक हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहां से मैं एक्सटेंड कर लेता हूं, ये आरसी है, ये सिमिलर करंट है, और ये करंट को किसी के साथ मुझे ऐड करना है, ठीक है ना, ऐड करना है, तो कैसे ऐड होगा, कि ऐड हमेशा ये सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, क्योंकि करंट को अगर मुझे ऐड सेपरेट करना है तो इस तरह से होगा, ये आई वन है, ये आई टू है, सो वी कैन ऐड और सेपरेट करंट ओनली इन द पैरेलल, तो यहां पे टोटल आई मिलेगा, दिस इज द टोटल आई, ओके, प्लस या माइनस जो भी हो रहा होगा, तो हमेशा मुझे पैरेलल में करना है, तो पैरेलल में कैसे करूं, पैरेलल में करने के लिए ये मेरा एक और, एक और एम्पलीफायर है, ये मेरा ग्राउंडेड है, ओके, और ये मेरा एक करंट सोर्स था आई इन, और ये मेरा आउटपुट है, और ये इस तरह से आउटपुट जा रहा है, ये भी आपका बीसीसी, ये आरसी वन हो गया, ये आरसी टू हो गया, तो मुझे ये यहां से एक्सटेंड कर लेता हूं करंट को, और करंट को मुझे यहां जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो ये क्या हो गया, करंट करंट, क्योंकि इनपुट में ये दोनों करंट ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐड सबट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं, तो ये ऐड सबट्रैक्ट यहां पे हो रहे हैं, तो ये नोड हो गया आपका, तो नोड पे दो करंट, क्योंकि करंट क्या होते हैं, नोड पे ऐड सबट्रैक्ट होते हैं, ओके, तो ये आपका हो गया करंट 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 फीडबैक एम्पलीफायर। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आसान है, ये आपका रेजिस्टेंस है आरसी, ये आपका कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है, यहां से मैं एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूं, ये फीडबैक हो रहा है इसमें, ओके, और ये आपका करंट सोर्स है, फॉर एग्जांपल ये आरबी है, तो देखो एक करंट यहां से क्या आ रहा है, एक ये करंट आ रहा है आई, एक करंट इधर से आ रहा है आईबी, और यहां पे टोटल आई टोटल जा रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका करंट है, यहां से कौन सा करंट आ रहा था आईसी, तो आईसी का कुछ पार्ट इसमें गया, यहां से आईसी करंट फ्लो हो रहा था, आईसी का कुछ पार्ट इसमें गया, और ये करंट यहां पे दोनों नोड ऐड हो गए, तो ये भी करंट करंट फीडबैक एम्पलीफायर हो गया, करंट 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 फीडबैक एम्पलीफायर। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पहले वोल्टेज मिल रहा है, उसको करंट फीडबैक एम्पलीफायर बनाना है, ठीक है ना, तो मैं थर्ड टाइप का करंट, थर्ड टाइप का एम्पलीफायर का एग्जाम्पल ले रहा हूं, वोल्टेज करंट फीडबैक, मुझे पहले वोल्टेज मिल रहा है उसको करंट में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एम्पलीफायर है आरसी टू आरसी वन, ओके, यहां से मुझे वोल्टेज मिल रहा है, ये तो वोल्टेज का कुछ पार्ट मैं यहां से लूंगा, ये वोल्टेज का पार्ट हो गया कुछ, ये वोल्टेज का पार्ट हो गया, तो ये मेरा V, ठीक है, ये U पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ पे मुझे बीटा क्या मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू ये R1 है, ये R2 है, तो R2 by R1 plus R2, यहाँ से वोल्टेज आ गया, ये मुझे V मिल रहा, अब मुझे इसको करंट में कन्वर्ट करना है, तो करंट में कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल सा है, कि मैं इसको करंट को करंट में कन्वर्ट करना है और उसको सेपरेटली ऐड करना चाहता हूं, तो ये मेरा पहले से करंट सोर्स था, ओके, ये मेरा विन था, विन, और यहां से मुझे करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है इसको, तो कैसे करूंगा, एक मैं यहां पे एक रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लूंगा और ये इस पे कनेक्ट कर, तो ये जो भी वोल्टेज होगा उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग ऑन होगा, और ये करंट यहां से करंट फ्लो होगा, तो ये भी करंट है आई और ये भी करंट है आई, तो यहां पे टोटल आई होगा, तो दिस इज वोल्टेज टू करंट फीडबैक, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां से वोल्टेज मिल रहा है वीओ,
ये करंट में कन्वर्ट हो रहा है और यहां करंट 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस नोड पे, तो दिस इज वोल्टेज टू करंट फीडबैक। चौथा कौन सा बच गया, करंट टू वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर। अब हम अगले की बात कर रहे हैं, करंट टू वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट टू वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट टू वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर बनाना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एम्पलीफायर है, ये बीओ है, यहां से ये आरसी है और यहां करंट फ्लो हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, ये आईई, ये आईई करंट है, इसको इसमें फीडबैक देना है। तो यहां पे आपका वोल्टेज है प्लस माइनस, दिस इज वी, ओके, सो वी आर अप्लाइंग दिस, दिस इज द करंट, ओके, दिस इज द करंट पार्ट, ये दिस कन्वर्ट इनटू वोल्टेज और इसमें ऐड होगा, ओके, तो दिस इज प्लस माइनस, ये फीडबैक होगा, तो दिस इज द करंट वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर। सो नाउ अनदर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल फॉर द करंट करंट फीडबैक इज, फॉर एग्जांपल दिस इज a common emitter transistor, common emitter amplifier, and this is a feedback cascade amplifier, and this RC2, this RC1, and we are taking VO here, and the volt current part of this, the current part of this, okay, the current part of this adding somewhere here. Okay, and this is the resistance, this is the I-in current, this is I-in. So, this is the RF feedback resistance, okay. So, how it is working as a current-current feedback amplifier? Current-current feedback amplifier. Means, in an output, it should be a current, okay. So, for example, this is common emitter amplifier. Here, we are getting an output as a voltage. And what I am saying here, ये voltage मुझे मिल रहा है, but here I am discussing is a current. Current, we are getting a current at the output. Yes, because we are not extracting a current from this node. Okay, sorry, we are not extracting a voltage from this node by a voltage divider network. इस node पे हम किसी voltage divider network के through या किसी resistance के across, because if we want to extract a voltage, तो voltage कहाँ आएगा? यहां से वोल्टेज आएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा। लेकिन अगर मैं सो वी कैन एक्सट्रैक्ट अ वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, बट हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट अ करंट, वी कैन एक्सट्रैक्ट अ करंट इन अ लूप, ओके, सो दिस इज द गैल्वेनोमीटर, सो हियर वी कैन एक्सट्रैक्ट अ करंट, सो सिमिलरली व्हाटएवर दिस इज द वोल्टेज सोर्स, इट्स ओके, सो दिस इज द लूप, इन अ लूप देयर इज अ रेजिस्टेंस, हियर वी आर एक्सट्रैक्टिंग अ करंट, सो हियर देयर इज अ करंट इज फ्लोइंग आई, ओके आई, but we are controlling this current, okay, so how much part we are extracting the current, this RF part, so we are controlling the current, so depend on this resistance we get this current, okay, this current, so this is the U part, okay, means this is the RF, I is equal to okay, B by RF, VO by RF, so we will get a RF current, IF current here, so we will get IF current, and this IF current is adding here, so this is the feedback node, so this is the input voltage, and is in this way we can extract a current. Then another example is, similar example I can draw here for a current-current feedback, current feedback amplifier. So another example is, very easy example, similarly we can draw like this, this is the voltage network, plus minus V in, okay, so this is the voltage, okay, now this is the resistance,
This is resistance. Just a minute. This is voltage. This is biased by any BV battery. Okay, biased by BV, and current is flowing here like this. Okay, and similarly, this RC1 and this is RC2. Similarly, I am extracting this some part of this here. By RF resistance and applying here. This is RF. So this is also a current feedback amplifier. So carefully look this circuit. Carefully आपको circuit को देखना है. After that you need to find out the output node and input node. Okay. So what is the output node? And then carefully see the feedback network. Because in this network, this is the feedback network. We are expecting this part. So this is the feedback network R2 by R1 plus R2. Okay. After that, so this is the voltage. Okay. But here there is a current source coming here, and similarly, this is also a current source, because here only current will flow, and this current is depend on this voltage. Agar ye jyada transistor on hoga, if this transistor will on more, so more current will flow from this loop. अदरवाइज लेस करंट. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो आउटपुट नोड पे करंट ही है, तो ये फीडबैक हो रहा है करंट, ठीक है ना. लेकिन ये वोल्टेज फीडबैक हो रहा है करंट, तो ये आपका वोल्टेज करंट फीडबैक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फीडबैक है. ये करंट है, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, लेकिन ये वोल्टेज था, ये वोल्टेज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये करंट यहाँ पे करंट हो रहा है आई, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है बीबीई. BBE क्या होता है, BBE मतलब V in minus this emitter voltage. Emitter voltage is equal to IE into RE. So this current is the feedback current. Okay, and this is the total input. तो output में मुझे voltage मिल रहा है, लेकिन यहाँ current feedback हो रहा है. Okay, अब so these are the some examples on the current feedback, voltage feedback, voltage current feedback, current voltage feedback. Voltage current feedback. Okay. Thank you.